सो हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन बट सॉरी हो तो गुड आफ्टरनून रहा है. क्या कर रहे हैं यार तू? सो आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और अच्छा व्लॉग होने वाला है जिसमें मैं अपनी लाइफ में और प्रज्ञा भी अपनी लाइफ में पहली बार ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ बहुत लोगों का जाने का एक ख्वाब होता है, सपना होता है. हाँ सपना होता है, इच्छा होती है, एक क्या कहते हैं अपने स्टैंडर्ड को पुश करना होता है. तो आज हम वो करने जा रहे हैं और आज एक इम्पोर्टेंट चीज भी है, वो है प्रज्ञा का बर्थडे. तो हैप्पी बर्थडे टू यू प्रज्ञा फ्रॉम. और अब प्रज्ञा स्वीट 16 से अंडर 19 हो चुकी है. हाँ क्या बोला मैंने आज. तो अभी हम लोग जा रहे हैं जयपुर और उसके बाद बताते हैं क्या क्या कर रहे हैं आज. अभी तक कुछ सोचा नहीं है, बस अभी एक जो मैंने चीज़ बोली है उसी का प्लान है, उसके आगे देखते हैं क्या होता है. और प्रज्ञा हाउ इज योर फीलिंग टुडे? मैं वही उसके आगे का मैं वो मेरे काम में सोचता हूं ना, तो मैं सोच रही हूं कि कहां जाना है. हां क्वेश्चन मार्क है, बहुत क्वेश्चन मार्क. और ये प्रज्ञा ने जो उस दिन इतना हम लोग घूमे फिरे थे शॉपिंग करने के लिए, उसमें से प्रज्ञा को जो कुछ पसंद आया था ज़ारा से, उसमें प्रज्ञा ने एक पिज्जा खरीदा है. सो अभी चलते हैं, व्लॉग शुरू करते हैं. सो माय नेम इज नीलेश शर्मा, DRX व्लॉग, जिसमें हम लोग फार्मेसी से रिलेटेड थोड़ा घूमना फिरना टूर्स सबसे इम्पोर्टेंट फार्म डी से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं और आपको जागरूक करते हैं, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देते हैं, थोड़ी चीज़ें सिखाते हैं, थोड़ा खुद भी सीखते हैं आप लोगों से. तो करते हैं इस व्लॉग को शुरू गाइस. जा रहे थे कहीं और रास्ते में नीलेश को इतनी तेज भूख लगी कि हमको अपने डेस्टिनेशन चेंज करना पड़ा और अभी हम लोग आ गए हैं बर्गर किंग. हमको मैंने देख के याद किया क्योंकि पिछली बार मैंने जब यहाँ पर आया था तो मैंने खाए थे यहाँ पे टाकोस, वो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आए, तो मैंने कहा कि चलो जाते जाते एक और ये हमारे रास्ते में ही था तो फिर हम क्यों नहीं आ. बट अभी हम उसके बाद वहीं जा रहे हैं जहाँ हमें जाना है. अभी डेस्टिनेशन डिस्क्लोज नहीं हुआ है. सो अभी हम लोग आए हुए हैं GT और यहाँ से अभी हम थोड़ा सर्दी वाला मौसम हो गया है और यहाँ से हम अभी जाएंगे एक ऐसी स्पेशल जगह. आने का हर किसी का मन होता है बट क्या करें, पैसा कुछ ज़्यादा होता तो कोई आ नहीं पाता है. तो उसके लिए हमने अपनी पिगी बैंक से पैसे जोड़े हैं और मतलब बर्थडे कुछ स्पेशल है तो यही स्पेशल है ना, मतलब एक मिडिल क्लास के लिए तो यही स्पेशल है ना. पर क्या तो अभी हम जा रहे हैं कहाँ, जस्ट सी. सो अभी हम आए हुए हैं स्टारबक्स और यहाँ हम पियेंगे कैपेचिनो. क्या नाम होता है तुम्हें, क्या मतलब भूल भी गया, फ्रैपेचिनो सॉरी. सो लेट्स डू इट. तो जब एक ही जगह से दो लोग होते हैं ऐसे क्लिप जो होती है वो जोड़ी जाती है. अपने क्लिप बना रही है, मैं अपने क्लिप बना रहा हूँ, ये सिर्फ सिर्फ कंटेंट के लिए कर रहे हैं ना. बट ओवरऑल ये बहुत टेस्टी है. मेरे वाले का नाम है फ्रैपेचिनो जावा चिप. सो मेरे वाले का नाम है जावा चोको चिप्स फ्रैपेचिनो और ये बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मज़ा आ गया पीकर. मेरी सारी नींद खुल गई तो मैं चाय पीने ही आया करूंगा. क्या बोला तूने? निमिश चीयर्स. बहुत टेस्टी, बहुत ज्यादा टेस्टी है. हाँ पैसे दिए टेस्टी तो लगेगा. बात तो सही है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी थी और बहुत अच्छी थी. मतलब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो मेरे लिए तो ये मस्त एक्सपीरियंस था और मैं अपना ये कप जो है अपने साथ लेके जा रहा हूँ क्योंकि मेरी मेमोरी है. निमिश उसको सील करवाएगा. इसको मैं सील नहीं, उसको लेमिनेशन होता है. हाँ तो ऐसा नहीं है, मैं इसको कम से कम कुछ दिन तो देखूँ कि हाँ मैंने स्टारबक्स में कॉफ़ी पी थी. तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपीरियंस है. थैंक यू प्रज्ञा पांडे, तुम्हारे बर्थडे के दिन हमने स्टारबक्स में कॉफ़ी पी. तो उसके बाद डिमांड मत करना. हम लोग जा रहे हैं सबसे पहले तो केक ढूंढने के लिए प्रज्ञा के लिए, हमें केक मिल जाए तो. केक मिलता क्यों नहीं है हमेशा, एवरी टाइम जब भी हम अपनी जगह से छोड़ के हम जयपुर आते हैं केक के लिए हमेशा ये इशू रहता है, हमें केक नहीं मिलता है बढ़िया वाला. मतलब केक तो बहुत सारे मिलते हैं बट बढ़िया केक नहीं मिलता है. तो अभी हम बढ़िया केक खोज में जा रहे हैं कॉफ़ी पीते हुए ढूंढने के लिए. अगर मिल गया तो वहाँ से फिर हम कहीं और जाएंगे, वो मुझे पता नहीं है कि कहाँ जाना है, प्रज्ञा मुझे बताएगी. ऑर्डर कर सकते हैं
हम लोग निकल ही रहे थे और मेरी निगाह पड़ गई ब्राउन शुगर पे, और ये केक की शॉप है। तो अभी हम यहाँ आए तो यहाँ पे हमें उसके बगल में दुकान और मिल गई, तो सोने पे सुहागा हो गया है। हाँ खामा खा हम लोग बहुत दूर जाने वाले थे बट सो अभी आई डोंट नो कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ये प्रज्ञा के हाथ में ही फोन है और पता नहीं छुपा के बैठी हुई है और बस राइट लेफ्ट ये कर रही है 180 मीटर 200 मीटर, पता नहीं इसने कौन सी जगह देखी है। तो अभी हम लोग खा रहे हैं चाओ चाइनीज सिज़लर और बहुत टेस्टी है ये, थोड़ा स्पाइसी भी है और मज़ा आ रहा है। टेस्टी है ना, स्पाइसी थोड़ा बट। थैंक यू पांडे और योर बर्थडे। आई डोंट नो व्हाई बट हम कहीं पर भी आते हैं तो पता नहीं थोड़ा सा खा के हमारा पेट क्यों भर जाता है। अभी अभी आया है बेक्ड पैने है ना, इसको ये पास्ता है, इसको अपने ऊपर से बेक करवा दिया है। तो ये कुछ नई नई चीज़ें हैं जो मैं ट्राई कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। फाइनली वी फिनिश द फूड और नीलेश अब ऑर्डर कर रहा है क्या, लेमनेट ब्लू लगून लेमनेट। सो अब हमने इतना खा पी लिया था तो भैया को आवाज़ दो भैया। वो भैया वहाँ पे खड़े हैं वो तो देख ही रहे परे हैं। हम लोग बहुत तो कम खाते हैं ना, ये बात है मतलब। बस दो चीज़ ऑर्डर करा था, या सिज़लर और यहाँ पे बेक्ड पास्ता। बस हमारा हो गया, हम लोग का पेट इसी में भर जाता है। और जब पिज़्ज़ा वाले जाते हो तब अजीब जानवर है, और जब 60 की थाली में जाते हो तब नहीं क्या होता है ही रहता है। ये बात तो है, नहीं ऐसा भी होता है ना, कुछ अमाउंट ऑल्सो मैटर्स, अमाउंट को देखते मेरा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो और स्मॉल हो जाता है। एक ब्लू लगून और एक फ्रूट पंच मॉकटेल्स दो ले आओ। पैसा वसूल करके जा रहा है। नहीं जगह अच्छी है ये, मतलब इसका एम्बियंस और जो वाइब है ना वो अच्छी है, मतलब एक अच्छी वाइब देता है। आ चुके हैं हमारे फाइनल ड्रिंक्स जो हमने ऑर्डर किए थे, ये है मेरा फ्रूट पंच और प्रज्ञा ने क्या ऑर्डर किया था, ब्लू लगून। Yay. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy happy birthday to you Pragya Pandey, may God bless you, you become clinical pharmacist, you go abroad and things will come to your hands easily. Yay! To my subscribers. Finally we are leaving this place, this beautiful place named Jest, और बहुत ही अच्छा experience था, अच्छा खाना था, अच्छा ambience था, बहुत मज़ा आया। हम लोग ज़्यादा खाते नहीं हैं बाहर आके, पता नहीं क्यों ऐसा क्या हो जाता है, but overall it's a great experience. बहुत तो that's it for today guys, bye bye, take care, अपना ख्याल रखें और मेरे birthday vlog को बहुत बहुत सारा प्यार देना। हाँ देखो हम लोग ये थोड़ा बहुत इसलिए करते रहते हैं कि हम फार्मडी तो हम बता ही रहे हैं और बताते रहेंगे हमेशा लाइफ टाइम, बट ये सब चीज़ें जो होती हैं ये हमारा जो पर्सनल व्लॉग्स हैं वो हैं, सो इनको भी प्यार दो, थोड़ा एंटरटेनमेंट मिलते रहे। हाँ सबसे इम्पोर्टेंट यही है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि
फार्म डी के बारे में हर चीज़ बताने के लिए हम हैं। तो आप भी हमारे ब्लॉग से थोड़ा प्यार दो, सब्सक्राइब बढ़ाओ, बस सब्सक्राइबर बहुत नीचे है, तो बहुत मेरे को बर्थडे गिफ्ट वही चाहिए। हाँ, 10,000 सब्सक्राइबर्स है तो बर्थडे गिफ्ट पे। सो बाय गाइस।